दिस इज सर्कल एंड दिस पॉइंट इज सेंटर। ये मान लिया हमारा क्या है इसका, ये सेंटर है और इसको हम क्या मान लेते हैं, ये रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस पॉइंट से सर्कल का पेरिमीटर का डिस्टेंस जो है, सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो एक्स वन वाई वन यहाँ हमारा क्या है, ये कोऑर्डिनेट है और ये क्या है हमारा सेंटर, और आर क्या है हमारा रेडियस है। बात समझ गए कि नहीं? अब याद रखिएगा कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाना, और सिमिलर का मतलब हो गया कि शेप सेम, साइज डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर दो टर्म है समझिएगा, सिमिलर और एक है कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर का मतलब हो गया शेप एंड साइज बोथ सेम, ये दोनों सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया, सॉरी सिमिलर का मतलब शेप एंड साइज में, ये इसके लिए हो गया सॉरी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब शेप भी सेम साइज भी सेम, और सिमिलर का क्या मतलब समझे, सिमिलर का मतलब ओनली शेप सेम, साइज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये ट्रायंगल है और एक ऐसा ही एक ट्रायंगल यहां बना देते हैं, तो ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर है, ये आपस में क्या है सिमिलर। लेकिन एक ट्रायंगल बनाए और एग्जैक्टली सेम ऐसा ट्रायंगल बना दिए जो इसको ओवरलैप भी कर रहा है, तो ये सिमिलर भी हो गया और कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। ये क्या है, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ गए ना, शेप भी सेम साइज भी सेम। शेप और साइज समझते हैं किसको बोलते हैं, शेप का मतलब हो गया स्ट्रक्चर। तो सर्कल का रेडियस अगर सेम है, मान लिया ये सेंटर है और ये सर्कल लिए, इसको हम आर वन लिए और इसको लिए आर टू, तो आर वन आर टू अगर सेम है, आर वन इज इक्वल टू आर टू, तो ये दोनों सर्कल क्या हो गया आपस में सिमिलर तो है ही और कॉन्ग्रुएंट हो गया। हर सर्कल एक दूसरे का क्या है, सिमिलर है। हर सर्कल कैसा भी सर्कल बना दीजिए, ये आपस में क्या है सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट तब हो जाएगा जब उसका रेडियस सेम हो। ये बात समझ में आया कि नहीं, इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है। तो अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। वैसा लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है वो क्या है, डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, डायमीटर इज इक्वल टू टू आर, यानी डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल को कोई भी लाइन जो इसको दो पॉइंट में कट कर रहा है पी एंड क्यू, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गया इस सर्कल का। बात समझ गए कि नहीं? तो बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलेंगे, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। और ये हमारे पास मान लिया सर्कल है, और इस सर्कल के लिए अगर ये कॉर्ड है, फिर दूसरा कॉर्ड बनाया, तीसरा कॉर्ड बनाया, तो देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड कम होते जा रहा है कि नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड यहां पर सबसे ज्यादा था, फिर देखो सीडी में और कम हो गया, और ये अल्टीमेटली लास्ट में क्या बन गया, टेंजेंट। ये बना कि नहीं टेंजेंट, ये बन गया टेंजेंट। तो बोल सकते हैं टेंजेंट इज द शॉर्टेस्ट कॉर्ड, टेंजेंट एक तरह का क्या है, शॉर्टेस्ट कॉर्ड। तो यहां लिखेंगे टेंजेंट इज द शॉर्टेस्ट कॉर्ड। तो तीन बात समझे हम, यहां कॉर्ड समझे, डायमीटर समझे और टेंजेंट समझे। कॉर्ड क्या हो गया, एनी लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पार्ट और टू पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्ड। और कॉर्ड में डायमीटर क्या हो गया, सबसे बड़ा कॉर्ड हो गया जैसे जैसे, और ये लेंथ कहलाता है, जहां इंटरसेक्ट किया इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं। तो ये लेंथ कम होते जा रहा है कि नहीं, तो ये देखिए टेंजेंट, और टेंजेंट जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट कॉर्ड है। लिख लीजिए, ठीक है, दिस इज सर्कल, ये हमारा क्या है सेंटर, और ये क्या है सर्कल का सेंटर है। बस समझ गए,
अब हमारे पास मान लिया ए से लेकर बी तक हमको आर्क लेंथ चाहिए, आर्क लेंथ कितना होगा, तो सर्कल का पेरिमीटर जो होता है वो कितना होता है, पेरिमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, बस समझ गए ना, 2 पाई आर होता है, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और पाई यहां किसके इक्विवेलेंट है, पाई है 22 बाई 7 के इक्विवेलेंट, इसको पुट कर सकते हैं। चलिए ये देखिए हम लोग कि पेरिमीटर क्या है सर्कल का, 2 पाई आर, और हमारे पास अगर आर्क लेंथ हमको इतना दूर तक का चाहिए कि कितना लेंथ है, तो इस लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे मान लिया बना दिया और ये थीटा है, ठीक है, तो हमारे पास ये थीटा ही डिसाइड करेगा कि आर्क लेंथ कितना होगा, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ सेमी पेरिमीटर हो जाएगा, थीटा अगर 360 हो जाएगा तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए तरीका है ए बी निकालेंगे, ए बी आर्क लेंथ यानी आर्क लेंथ इज इक्वल टू ये कितना होगा, ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू होगा थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर, और आर का वैल्यू जान रहे हैं दिया रहेगा, पाई का वैल्यू 22 बाय 7 है, तो इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इसका अगर एरिया पूछा जाए, इसका एरिया कितना होगा बताइए, तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, समझ गए कि नहीं, यस सर, हां पाई हो गया 22 बाय 7, और इसको पुट कर सकते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा, लिख लीजिए। अब देखिए ये हमारे पास सर्कल है, और ये सर्कल के लिए तीन पॉइंट हम ले लेते हैं, पी क्यू एंड आर, ठीक है, तो पी इज अ पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल, जो सर्कल के क्या है अंदर है, तो पी इज द पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, क्यू इज द पॉइंट विच इज ऑन द सर्कल, नहीं समझे, ये सर्कल पे है कि नहीं, एंड आर इज द पॉइंट, इज द पॉइंट विच इज आउटसाइड, आउटसाइड द सर्कल। यहां हमने देखा कि एक पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, यानी क्या है ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, अब पॉइंट कहां है इसी से डिसाइड होगा कि उस पॉइंट से कितना टेंजेंट होगा, पी से कोई भी टेंजेंट पास करेगा, नो टेंजेंट, यानी पॉइंट पी से, पॉइंट पी से कितना टेंजेंट पास करेगा, नो टेंजेंट, यहां से कोई टेंजेंट पास नहीं करेगा, क्यू से केवल एक टेंजेंट पास करेगा, देखिए पास किया पॉइंट क्यू से कितना टेंजेंट पास करेगा, नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 1 टेंजेंट, इधर से भी तो हो सकता है, किधर से, ऐसे 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 कहां, एक ही ना होगा, ऐसे कहां से कट करेगा क्या, नहीं मत वो एक ही पॉइंट पर टच करना, समझ गया कि नहीं, और देखते हैं पॉइंट आर, पॉइंट आर से कितना टेंजेंट होगा, तो पॉइंट आर से दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक दो, और दूसरा ये सॉरी इसको बना दीजिए, ये टेंजेंट होगा, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर गया ऐसे, तो यहां से कितना टेंजेंट पॉसिबल है, 2 टेंजेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक पॉइंट से कितना टेंजेंट पॉसिबल है, तो पहले ये चेक कीजिए कि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट होगा, पॉइंट सर्कल पर है तो 1 टेंजेंट, पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं, क्लियर सर, कोई पूछे सर्कल पर कहता था इनफाइनाइट, हाँ एक सर्कल पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है, एक सर्कल है और इस पे टेंजेंट अगर पूछा जाए कितना, तो इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व, जो कर्व को या सर्कल को या टच करता है, केवल टच किया तो वो टेंजेंट हो गया, बस वगैरह कट किया तो कॉर्ड हो गया।
अब देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हमारे पास सर्कल है और ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से कितना टेंजेंट पॉसिबल है, दो टेंजेंट, एक टेंजेंट ये बना दिए और एक टेंजेंट क्या बना दिए, ये बना दिए, इस पॉइंट का नाम टी दे दिए और इसका नाम क्यू दे दिए और ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना है यहाँ, नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टू और लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिए पी टी, पी टी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा सर्कल के लिए इक्वल होगा, ये जितना लेंथ होगा उतना ही ये भी होगा, इज लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये क्या होता है इक्वल होता है, और ये याद रखेंगे कि मान लिया कोई भी सर्कल है उस सर्कल पे अगर एक नॉर्मल बना दे, नॉर्मल का मतलब हो गया सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या कहलाता है नॉर्मल और ये क्या कहलाता है टेंजेंट, आया समझ में, तो नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है, याद रखेंगे सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा तो वो नॉर्मल है और नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, तो यहां से ये इस पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, और यहां से ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, और ये क्या है रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, तो क्या रेडियस है यहाँ टी सी, टी सी किसके इक्वल है सी क्यू के इक्वल है और ये दोनों क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल का क्या है रेडियस है जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं, बात समझ गए कि नहीं, और ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, पीसी क्या है पी से है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम व्हाट सेंटर, ये सेंटर से उसका डिस्टेंस है पीसी, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ये, तो हम क्या लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पीसी, तो यहाँ क्या लिखेंगे पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस टीसी स्क्वायर, वेरी गुड पीसी स्क्वायर लिख सकते, एक और रिलेशन लिख सकते हैं दूसरा ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल है कि नहीं सी पी क्यू, क्या लिख सकते हैं बोलो पीसी स्क्वायर सी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और चाहे तो पीसी पीसी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पीटी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ये क्या है आपस में सब इक्वल हो गया, ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है इसको कॉपी कर लो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो अब देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास क्या है सर्कल है, ठीक है, और ये इस सर्कल के लिए क्या है मान लिया कोई कॉर्ड है पी क्यू, क्या है कोई भी कॉर्ड, ये कॉर्ड अगर कोई ट्राइंगल बना रहा है जिसका वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है, मान लिया ऐसा बन गया ऐसा बन गया ऐसा बन गया, ठीक है, ये सब एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, वर्टेक्स क्या है यहाँ ए है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, फिर तो एक खास बात है कॉमन होगा कि सबका एंगल क्या होगा सेम होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, समझे ना, कॉर्ड क्या लिखेंगे कॉर्ड पी क्यू मेक्स इक्वल एंगल ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल के लिए उसके सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा जो वर्टेक्स बनेगा, याद रखिएगा इसके पहले और बाद में ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, एकदम सर्कमफेरेंस पे बनना चाहिए, तो सारा एंगल क्या होगा सेम होगा, ये इस बात को याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है। नेक्स्ट मान लिया ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल का ये क्या है डायमीटर, ए बी क्या है डायमीटर, ये मान लिया सेंटर,
तो डायमीटर अगर सर्कमफेरेंस को टच करते हुए कोई भी ट्रायंगल अगर बनाए, कैसा भी ट्रायंगल, चाहे नीचे बना रहा हो, चाहे ऊपर बना रहा हो, कहीं भी बना रहा हो, तो सब में एक कॉमन बात दिखेगा, वो क्या होगा कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। बस समझ गए कि नहीं? यानी क्या देखे कि डायमीटर ऑलवेज फॉर्म्स 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस पे हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? ये समझ गए? चाहे कहीं भी क्यों ना बनाए, कहीं भी, यहां पर भी बनाए, समझ नहीं, यहां पर भी बनाए, तो सब में क्या होगा, ये 90 डिग्री ही बनाएगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्या है यहां पर, लेट दिस इज सर्कल, ये क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हुए मान लिया ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आया कि नहीं समझ में? इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या खास बात है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का समेशन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ऑपोजिट एंगल जो होगा सम 180 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट एंगल बी प्लस डी, एंगल डी जो होगा ये भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। बात समझ गए? तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइक्लिक होगा तो ये बात है, और ये है अगर तो वो साइक्लिक होगा। मान लिया कोई भी क्वाड्रेटर ले लिए, ठीक, और इसका एंगल ए, इसका एंगल बी, सी और डी, और ए और सी का समेशन 180 डिग्री है, बी एंड डी इज आल्सो 180 डिग्री, दैट मींस ए बी सी डी कौन सा क्वाड्रेटर है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इस पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं और कई जगह यूज करना होता है इसको, ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स, ये मान लिया आपके पास सर्कल दिया हुआ है और ये एक दूसरा सर्कल दिया हुआ है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है, ये पेयर ऑफ सर्कल है, ये क्या है, पेयर ऑफ सर्कल, और इसको बोलेंगे एक्सटर्नली टचिंग ईच अदर, ये क्या है, एक्सटर्नली टचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। और यहां पे देखेंगे ये मान लिया सेंटर C1 है, ये सेंटर क्या है, C2, तो ये डिस्टेंस क्या है, R1 है, और ये डिस्टेंस क्या है, R2 है, तो C1 से C2 के बीच जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा कि नहीं, वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा, C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ये कंडीशन अगर होल्ड करता है तो एक्सटर्नली टच करेगा एक दूसरे, जब एक्सटर्नली टच करेगा तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा, देखो एक कॉमन टेंजेंट हुआ, ये दूसरा कॉमन टेंजेंट हुआ, और ये तीसरा कॉमन टेंजेंट, वो कि नहीं, yes, यानी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 3। ये बात समझ में आ गया? yes। लेकिन जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, देखो यहाँ पर ऐसे, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है, yes। इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल। यहां पर देखेंगे ये R1 है और ये क्या है, R2, तो कौन बड़ा होगा, C1 C2 बड़ा होगा कि R1 प्लस R2 बड़ा होगा, दोनों इक्वल होगा, इक्वल कहां से होगा, इक्वल तो इस केस में ना होगा, इस केस में ना इक्वल होगा, और नजदीक आ गया कि नहीं C1 C2, तो R1 R2 जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा C1 C2 से, और इस केस वाला से कंपेयर किया, हां
तो इस केस में कॉमन टेंजेंट कितना होगा? देखो दो ही कॉमन टेंजेंट होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे इसमें, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टू टेंजेंट इज इक्वल टू टू कॉमन टेंजेंट। इस केस में दो कॉमन टेंजेंट होगा, बस समझ गए कि नहीं। कॉमन टेंजेंट हो गया वो लाइन जो सर्कल पे एक साथ जो पेयर ऑफ सर्कल दिया हुआ है उस पे टेंजेंट हो जाए दोनों एक साथ। तो यहां पर देखिए ये एक सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, बाहर बाहर टच कर रहा है और ये इंटरसेक्ट कर गया, तो अब दोनों जो सेंटर है वो नजदीक आ गया। रेडियस जो है यहाँ इक्वल था, यहाँ देखिए कि अलग अलग हो गया। तो ये देखिए R1 R2 से बड़ा, R1 R2 बड़ा है तो इस केस में इंटरसेक्टिंग सर्कल, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2। ओके सर्कल है क्लियर, और ये दूसरा सर्कल है, ये ऐसा हो गया जो नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग। ये क्या है? नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, ना तो ये टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, बस समझ गए कि नहीं। इस केस में ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है, दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो कौन ज्यादा बड़ा होगा? C1 C2 का डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो गया कि नहीं रेडियस से? ये गैप एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं? तो C1 C2 जो डिस्टेंस है ये ज्यादा बड़ा है किससे? R1 प्लस R2 से ज्यादा बड़ा है। और इस केस में कॉमन टेंजेंट कितना होगा? दो, एक और ये दो, इन दोनों को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, और देखो कॉमन टेंजेंट ये तीसरा और ये हो गया चौथा, तो कितना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट है? तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू फोर कॉमन टेंजेंट, क्लियर, जिसमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों जो है टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बाकी ये टू थ्री और फोर ये कॉमन इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है लिख लीजिए इसको। और ये सर्कल ये इंटरनली टच कर रहा है दूसरे, ये क्या हो गया? हाँ इंटरनली टचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है अंदर अंदर। तो यहां पे देखिए इसका सेंटर अगर C1 है और इस सर्कल का सेंटर C2 है, और पहले वाले का रेडियस अगर हम R1 ले ले और दूसरे का क्या ले लिए R2, तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा वाला सर्कल R1 माइनस R2 के बराबर होगा। बड़ा वाला सर्कल से छोटा वाला सर्कल के रेडियस को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। और यहां पर कॉमन टेंजेंट कितना होगा? वन कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो वन होगा, कॉमन टेंजेंट तो वही ना बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? यही है, यही ना कॉमन टेंजेंट है। यस, तो इसको हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे। ये सर्कल हो गया आपस में कंटेंट सर्कल, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसको बोलते हैं, C1 और C2 भी यही है, C2 भी यही है, इसको क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, समझ गए कि नहीं? यहां C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? जीरो, जीरो, समझ गए? तो यहां रेडियस जो है एक का R1 ले लिए और दूसरे का R2 ले लिए। इस केस में कॉमन टेंजेंट होगा? नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट, ये क्लियर है कि नहीं? कॉमन टेंजेंट इस केस में एक भी नहीं होगा, इस केस में एक होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे पास दो सर्कल हो यानी पेयर ऑफ सर्कल हो तो उस सर्कल के एडजस्टमेंट के आधार पे वो सर्कल कैसे सिचुएटेड है, इंटरनली है, एक्सटर्नली है, कंटेंट है, कॉन्सेंट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग कॉमन टेंजेंट डिसाइड हो रहा है। yes. और कॉमन टेंजेंट शुरू में देखिए कुछ और था, चार था, फिर तीन था, फिर एक हो गया, फिर जीरो हो गया। ठीक है, तो आपसे दो सर्कल का पूछा जाए कि कॉमन टेंजेंट कितना होगा तो उसके पोजीशन को जानना बहुत जरूरी है। पोजीशन जानेंगे तभी बता सकते हैं, नहीं पोजीशन जानेंगे तो ये पता होना चाहिए, समझ गए ना? ये अगर एक्सप्रेशन पता है तो भी बता सकते हैं कि कॉमन टेंजेंट कितना होगा। हमारे पास मान लिया ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये सर्कल है
तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इन सर्कल। ये कौन सा सर्कल है? ये सर्कल कहलाएगा इन सर्कल। और बाहर बाहर अगर सर्कल है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? सर्कम सर्कल। ये क्या हो गया? सर्कम सर्कल हो गया। बस समझ आ गया ना? अगर अंदर अंदर ये टच करते हुए जा रहा है इसके साइड को, तो ये कौन सा सर्कल हो गया? इन सर्कल। क्लियर? और ये बाहर बाहर अगर टच कर रहा है तो सर्कल क्या है? सर्कम स्ट्राइट है, यानी कि ये सर्कम सर्कल कहलाएगा स्ट्रेंगल के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। जैसे मान लिया आपसे अगर दिया रहे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये दे दिया गया, ठीक है, और इसके अंदर बोला गया है कि एक सर्कल है जो ऐसे टच करते हुए जा रहा है। क्लियर? एक सर्कल बना दिए जो इस तरह से टच करते हुए गया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मान लिया ये ए बी सी है। तो यहां पर क्या खास बात दिखेगा? जहां टच कर रहा है उस पॉइंट को हम पी क्यू और आर मान लेते हैं। तो यहां क्या बात है? यहां दिखेगा कि एपी किसके इक्वल होगा? ए आर के इक्वल होगा। एपी इज इक्वल टू ए आर। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया कि नहीं? ए से ये दोनों टेंजेंट हो गया ना। यहां पर देखेंगे बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट है। फिर क्या देखेंगे यहां पर? सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। देखेंगे ये सब लेंथ ऑफ टेंजेंट है ए बी सी से। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं? उसके बावजूद यहां पर एक और बात है कि पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड करेगा। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा तो क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। लिख सकते हैं? यस सर। अब ए सी को क्या लिख सकते हैं बोलो? ए सी को सी आर प्लस आर ए, सी आर प्लस आर ए नहीं लिख सकते हैं? यस सर। बोलो सी ए, सॉरी सी आर प्लस आर ए। ए बी को क्या लिखेंगे? ए बी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी को क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस क्यू सी। बी सी को लिखेंगे सी क्यू प्लस क्यू बी स्क्वायर। सी क्यू प्लस व्हाट? इसका स्क्वायर क्यू बी। सी क्यू प्लस क्यू बी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना? तो इस तरह का जो आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको कई थ्योरम को प्रूफ करने में, कई प्रॉब्लम को बनाने में भी जरूरत पड़ता है, समझ गए? तो इसको ध्यान रखेंगे और हम लोग इसको यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन में। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल, ठीक, और इस सर्कल का ये क्या है हमारे पास? मान लिया सेंटर, ठीक है। तो मान लिया ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है और ये कोई कॉर्ड है, ये कोई कॉर्ड है, ये भी क्या ले लिए? कॉर्ड। और सेंटर पे ये एंगल मान लिया बना रहा है थीटा। सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो याद रखिएगा कि ये सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगा? थीटा बाय 2। थीटा बाय 2, चाहे कहीं भी क्यों ना बनाए, यहां भी बनाएगा तो कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। कहीं भी बनाए ये कितना बनाएगा? थीटा बाय 2। याद रखिए सेंटर पे जो एंगल होगा, सेंटर पे उसका हाफ होगा सर्कमफेरेंस। ये क्लियर है कि नहीं? याद रखिएगा, मान लिया एक सर्कल ले लेते हैं ऐसे और ये सेंटर है और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्री मान लिया। तो ये सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा एंगल? 30 डिग्री। बस समझ आया कि नहीं? दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये हमारा मान लिया सर्कल है और ये इस सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। ये भी क्या ले लिए? कॉर्ड। और ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा? इसको बाइसेक्ट करेगा इक्वल इक्वल पार्ट। और ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। ये भी रेडियस है। ये मान लिया पॉइंट है एम। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ए एम इज इक्वल टू एम बी। पहली बात।
दूसरी बात क्या लिखेंगे, AC is equal to BC, और ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तीसरी बात क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या लिखेंगे, AM होल स्क्वायर प्लस MC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, CM होल स्क्वायर प्लस MB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्लियर रहेगा? यस सर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी जो है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। बाकी सर्कल से रिलेटेड जो भी लेक्चर होगा इसके अगले वीडियो में हम लोग अपलोड कर देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे।